देश आज मना रहा है पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की प्रगति असाधारण। इसरो के वैज्ञानिकों ने कम संसाधनों में हासिल की कई उपलब्धियां। चुनाव को देखते हुए प्रदेश में राजनीतिक दल बढ़ा रहे अपना जनसंपर्क। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा फैलाए जा रहे झूठ का जनता देगी जवाब। आपने खारिज की जजपा से गठबंधन की संभावना। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर प्रदेश के स्कूलों में आयोजित हुए कई कार्यक्रम। विद्यार्थियों को अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदम से कराया गया अवगत। और जॉर्डन में चल रही अंडर 17 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। भारत ने जीते 4 स्वर्ण सहित कुल 6 पदक। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। देश आज पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। पिछले वर्ष आज ही के दिन भारत के चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहली बार उतरकर इतिहास रचा था। इस अवसर पर आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। अपने संबोधन में उन्होंने सफलता के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा करने को एक सराहनीय कदम बताया। उन्होंने कहा कि इसरो ने न केवल अंतरिक्ष के क्षेत्र में बल्कि देश के सामाजिक आर्थिक विकास में भी अमूल्य योगदान दिया है। भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की प्रगति असाधारण है। भारत ने कम संसाधनों में मंगल मिशन से लेकर 100 से अधिक सैटेलाइट लॉन्च करने जैसी कई उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा भारत अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सामने आएंगे जिनसे देश सामाजिक आर्थिक एवं वैज्ञानिक रूप से लाभान्वित होंगे। देवियों स्वजनों, हमें भावी चुनौतियों के लिए भी तैयार रहना है। स्पेस डेब्री अंतरिक्ष मिशन के लिए समस्या अत्यंत चिंताजनक है। अंतरिक्ष अनुसंधान की गतिविधियां निरंतर चलती रहे, इस उद्देश्य के साथ इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल ऑपरेशंस मैनेजमेंट फैसिलिटी का संचालन किया जा रहा है। ये एक सराहनीय कदम है। मुझे ये जानकर भी खुशी हो रही है कि भारत वर्ष 2030 तक अपने सभी अंतरिक्ष अभियानों को डेब्री फ्री बनाने के लिए लक्ष्य रखे हैं। हमारे निष्ठावान वैज्ञानिकों ने न्यूनतम संसाधनों का उपयोग करके भारत के स्पेस प्रोग्राम को विश्व के श्रेष्ठतम स्पेस प्रोग्राम में स्थान दिलाया है। अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र को अतीत की बेड़ियों से मुक्त किया है। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि आधी शताब्दी के भीतर ही इसरो पहली बार चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने में कामयाब होगा। देश का उत्सव मनाने का काम हमारे हिस्से में आया है। आज से ठीक एक वर्ष पूर्व 23 अगस्त 2023 को हमारे एक स्पेस मिशन चंद्रयान ने इतिहास रच करके दुनिया को चकाचौंध कर दिया। चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला वो पहला स्पेस मिशन था। और तभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये घोषणा की कि प्रतिवर्ष इस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। एंड टुडे द सेम इसरो द सेम टीम विद इन 50 इयर्स जस्ट अबाउट हाफ अ सेंचुरी वी बिकेम द फर्स्ट टू हैव लैंडेड ऑन द साउथ पोल ऑफ मून बिफोर एनीबडी एल्स कुड डू। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ ने भारत की इस उपलब्धि को अभूतपूर्व बताया। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 की सफलता से पड़े प्रभाव की हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। 3 अगस्त 2023 चंद्रयान 3 मेड द हिस्टोरिक लैंडिंग ऑन द मून, क्रिएटिंग ए नेवर बिफोर इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द स्पेस प्रोग्राम ऑफ दिस नेशन। इन इसरो वी नेवर इमेजिन्ड
the impact that is going to create out of this accomplishment. And it is when Honorable Prime Minister of India visited us in the control center after a few days, and he made the announcement of 23rd August to be the National Space Day, and also declared the landing site of Chandrayaan 3 as the Shiva Shakti Point. Space Day, the very first National Space Day, celebrating the inspirational journey that we had in the Chandrayaan 3, and also to envision the future course of action that we need to take in the space sector, especially the journey in the Amrit Kal. And I wish to thank the Honorable Prime Minister of India for the motivation, the vision that he has given to all of us for creating the next space vision for our country. कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसरो के रोबोटिक्स चुनौती और भारतीय अंतरिक्ष हैकाथॉन के विजेताओं को पुरस्कार भी प्रदान किए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल यमुनानगर में आयोजित जन आशीर्वाद रैली में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया। इस अवसर पर लोगों से रूबरू होते हुए उन्हें प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने का विश्वास जताया। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर सरकार के विकास कार्यों की अनदेखी कर लगातार जनता में झूठ फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमने अग्निवीर को नौकरी में आरक्षण देने और ओबीसी क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाने जैसे कई जनहित के फैसले लिए और इनका हिसाब भी दे रहे हैं, जबकि कांग्रेस के नेताओं से पूछे गए सवालों का अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के लोग ये हिसाब मांगो यात्रा लेकर के निकले थे। मैंने कहा था कि हमारी पार्टी, हमारी सरकार हर साल हम क्या क्या काम करते हैं जनता के बीच में जा कर के हिसाब देने का काम करते हैं। हम हिसाब एक एक पाई का देते हैं। 4 अक्टूबर के बाद इसको और जारी आगे रखा जाएगा ताकि कोई भी व्यक्ति बिना मकान के ना हो। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, ये कांग्रेस के लोग ये अग्निवीर को लेकर के झूठ फैलाते हैं। आज यमुनानगर की सरदारी के बीच में आया हूँ। हमारी सरकार ने ये निर्णय किया है कि जो भी अग्निवीर 4 साल के बाद वो वापिस आएगा, हरियाणा सरकार ने सुनिश्चित किया है कि उसको हरियाणा सरकार के अंदर रोजगार देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के 1,20,000 से अधिक कर्मचारियों की नौकरी को सुरक्षित रखने का काम हमारी सरकार ने किया है। जनता 1 अक्टूबर को भाजपा के कारों पर मोहर लगाकर विपक्ष का फैसला करेगी। आम आदमी पार्टी प्रदेश में होने वाले चुनाव के लिए मैदान में कूद चुकी है। आपके नेता जिला स्तर पर जाकर कार्यकर्ताओं से राय शुमारी में जुटे हैं। कल भिवानी पहुंचे आपके प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने हरियाणा में बिना गठबंधन सरकार बनाने का दावा किया। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टी तैयार है और कार्यकर्ता परचम फहराने वाले हैं। उन्होंने बताया कि आप प्रदेश के हर घर में एक गारंटी कार्ड लेकर जाएगी। हरियाणा में 25 साल कांग्रेस व 10 साल भाजपा ने राज किया, अब आपकी बारी है। परचम फहराने की तैयारी हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। गांव गांव में कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। पूरे बहुमत के साथ हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार आने वाले दिनों में बनाएंगे। गारंटी कार्ड एक एक घर लेके जाएंगे और हर गारंटी कार्ड के साथ समझ लो 2 वोट पक्के हैं। 25 लाख गारंटी कार्ड हरियाणा के लोगों के बीच में बांटने हैं। 50 लाख वोट लेके हरियाणा में सरकार बना लेंगे। देखिए, बीजेपी के पल्ले कुछ नहीं है और 25 साल कांग्रेस ने राज कर लिया, 10 साल बीजेपी ने राज कर लिया। अब आम आदमी की बारी है। आम आदमी अपना राज बनाएगा, अपने काम खुद कराएगा। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने जेजेपी के साथ गठबंधन की बात को नकारते हुए कहा कि पार्टी अपने दम पर बहुमत जुटाने में सफल होगी। जेजेपी हरियाणा में जन आधार खो चुकी है। इस महीने के अंत तक मजबूत उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी जाएगी। आम आदमी पार्टी की कोई बातचीत इस विषय में नहीं है, ना ही आम आदमी पार्टी का जेजेपी से कोई गठबंधन का इरादा है। मेरी एडवाइस है वो अपना काम करें,
अब अफवाहें फैलाने से उनको धरती नहीं मिलने वाली। जनता के साथ गठबंधन हो चुका है, गठबंधन से लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तैयार है। आम आदमी पार्टी 90 की 90 विधानसभा सीटों पर तैयारी कर रही है। मजबूत उम्मीदवार का सर्वे चल रहा है। पहला सर्वे हमारा पूरा हो चुका है, दूसरा सर्वे जारी है। इस महीने के अंत तक बहुत जल्द हम अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करेंगे। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हरियाणा की भाजपा सरकार पर जनता के सरोकार से कोई मतलब न होने का आरोप लगाया है। कैथल के किसान भवन में कल प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने 10 साल में कैथल को विकास के मामले में कहीं पीछे धकेल दिया है। पूरे शहर में विकास कार्यों को ग्रहण लग चुका है, स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। सत्ता पर काबिज भाजपा ने जनता के साथ विश्वासघात किया है। चुनाव से पहले भाजपा जजपा पार्टियों के नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए और बाद में साथ आ गए। भाजपा को अब सत्ता से बाहर करने का समय आ चुका है। कांग्रेस के हाथों में प्रदेश की जनता का भविष्य सुरक्षित होगा। देखिए, एक बात तो साफ हो गई, पहली बात तो ये है कि बीजेपी चुनाव हार गई है, उन्होंने मान लिया। अब तो उनके मंत्री खुलेआम बयान दे रहे हैं, आप 15 दिन और रुक जाओ, ये सारे जोर जोर से बोला करेंगे कि हमारा कोई कंस नहीं है। बीजेपी को आज जो उनके प्रति गुस्सा जनता में है, मुझे लगता है कि उन्हें सिर्फ डबल डिजिट को छू नहीं पाए। दूसरा, ये अहंकार कि दिल्ली में बहुत बड़ी अहंकारी या दमनकारी सरकार है, उनकी हेकड़ी भी जनता ने निकाल दी। हमारी तो कोई ऐसी है, जो 400 पार कहा करते थे वो 240 पर आ गए, और हर रोज उन्हें एक निर्णय वापस लेना पड़ता है राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के दबाव में। ये नहीं दर्शाती, शायद उन मंत्री जी को ये मालूम नहीं कि ये 2014 नहीं 2024 है, और देश की जनता ने, हरियाणा की जनता ने भाजपा की हेकड़ी और अहंकार को चकनाचूर कर दिया। अब 1 अक्टूबर का इंसान। कांग्रेस नेता आफताब अहमद कल मेवात के दिहाना गांव पहुंचकर लोगों से रूबरू हुए। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर वर्ग में आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आक्रोश है। भाजपा ने पिछले 10 साल में प्रदेश को विनाश की राह पर ले जाने का काम किया है, बेरोजगारी को चरम सीमा पर पहुंचा दिया है और महंगाई बेतहाशा बढ़ी। भाजपा की गलत नीतियों से परेशान होकर अब लोगों का विश्वास कांग्रेस में बढ़ रहा है। इसका साफ असर जमीन पर दिखाई दे रहा है। कांग्रेस भाजपा के भ्रष्टाचार के खिलाफ आगे बढ़कर लड़ाई लड़ रही है। जनता चुनाव में अपना फैसला सुना देगी। आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जन आक्रोश है। 10 साल में हरियाणा को सुशासन देने के लिए, हरियाणा को विकास की राह के बजाय विनाश की राह पे चलने के लिए, बेरोजगारी चरम सीमा पे पहुंचाने के लिए, महंगाई बेतहाशा महंगाई की बात है, कानून व्यवस्था की बार बार यहाँ धज्जियां उड़ाई जा रही, युवाओं ने, महिलाओं ने, बुजुर्गों ने जिस तरीके से अपना आशीर्वाद, अपना समर्थन दिया, ये सूचक है इस बात का कि आज कांग्रेस के प्रति जैसे लोकसभा में विश्वास जताया गया था, कांग्रेस ने जो संघर्ष करके अपनी नीतियां और जनता की बात को हर पटल पर उठाने का कार्य किया था, उसमें विश्वास बढ़ रहा है। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सीनियर सेकेंडरी मॉडल स्कूल में 3 दिवसीय विज्ञान ज्योति साइंस मेले का आयोजन किया जा रहा है। इंडियन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन के सहयोग से आयोजित इस मेले में स्कूली बच्चों को विज्ञान के प्रयोग और बिजली के उपकरणों को लेकर जागरूक किया गया। एसोसिएशन के सचिव राजपाल पंचाल ने बताया कि अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर आयोजित विज्ञान मेले में लगभग 1000 विद्यार्थियों ने इन 2 दिनों में हिस्सा लिया। देश भर से आए वैज्ञानिक विद्यार्थियों को साइंस के प्रयोग सिखा रहे हैं और दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व बता रहे हैं। स्पेस डे जो है वो भी आज ही है, और इस अवसर पर बच्चों के लिए खगोल विज्ञान से संबंधित गतिविधियां भी यहाँ बच्चों के साथ हम लोग साझा कर रहे हैं, जिसमें रॉकेट लॉन्चिंग विशेष रूप से है, जिसके लिए विशेष
रिसोर्स पर्सन को आमंत्रित किया गया है, डॉक्टर मनोज कुमार को मेरठ से आमंत्रित किया गया है, जो बच्चों के साथ एस्ट्रोनॉमी की गतिविधियां कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने बच्चों के अंदर विज्ञान की जागरूकता बढ़ाने के लिए तारा मंडल भी यहाँ बनाया है, जिस तारा मंडल के तहत बच्चों के साथ नक्षत्रों पर, तारों पर, प्लैनेट्स पर और उनकी राशियां बनती कैसे, कौन सी राशि कब दिखाई देती है, तमाम चीजों पर बातचीत करने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया है। आज और कल मिलाकर यहाँ पर 1000 बच्चे पहुंच चुके हैं और उम्मीद है कि कल भी इसमें और बच्चे दूसरे विभिन्न स्कूलों से यहाँ पहुंचेंगे। स्कूल के विद्यार्थियों ने अलग अलग विषयों पर बने मॉडलों का प्रदर्शन भी किया। 10 स्कूलों के विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया और साइंस पर आधारित मॉडल प्रस्तुत किए। मेले में हिस्सा ले रहे बच्चों ने कहा कि विज्ञान हमारे आसपास ही है और साइंस में खोज की बहुत संभावनाएं हैं। स्कूल में पहली बार इस प्रकार का आयोजन किया जा रहा है, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। साइंस मेले में हिस्सा ले रहे विद्यार्थियों ने कहा कि हमें गर्व की अनुभूति होती है कि साउथ पोल पर जाने वाला भारत पहला देश बना। चंद्रयान 2 के बारे में आज बहुत सी जानकारी इस साइंस मेले में दी गई और इस विषय में आज की पेंटिंग और निबंध प्रतियोगिता में भी शामिल किया गया है। एग्जीबिशन लगा है जिसमें हमने अलग अलग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया, जैसे ऐसे राइटिंग, पेंटिंग, पोस्टर मेकिंग और मॉडल मेकिंग, जिसमें हमारी सब एक्टिविटीज की थीम साइंस थी। ऐसे राइटिंग में हमारे पास अलग अलग थीम्स थी, पोस्टर मेकिंग में हमारे पास अलग अलग थीम्स थी और हमारे पास अलग अलग स्टेट से साइंटिस्ट आए जिन्होंने हमें अपने मॉडल्स दिखाए और हमने उन मॉडल्स से बहुत कुछ सीखा। तो हमने यहाँ पे काफी मॉडल्स भी देखे साइंस के और यहाँ सर ने वाटर में प्रेशर क्रिएट करके हमें रॉकेट लॉन्चिंग भी दिखाई। इससे हम जो बुक्स में पढ़ते थे वो हमने रियल लाइफ में दिख लिया और यहाँ पे पार्टिसिपेट करके हमारा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हुआ। पेंटिंग का हमारा विषय था साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, जो नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी डे है उसका टॉपिक था और एनवायरमेंट था। वो तो एनवायरमेंटल चेंज हमने देख ही लिया है कि पहले इतना अच्छा वातावरण था और अब के डिफरेंसेस और उसके बारे में तो हम जानते हैं साइंस डे के बारे में, क्योंकि वो चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग पे हुआ था कि जो साउथ पोल पे लैंड हुआ था, तो इंडिया के लिए अच्छी बात भी थी कि साउथ पोल पे इंडिया सबसे पहला देश बना जो साउथ पोल तक पहुंचा। अंबाला के क्रॉस रोड स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। अध्यापकों ने स्कूली बच्चों को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बारे में विस्तृत जानकारी दी और कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। छात्र छात्राओं में भी इसको लेकर उत्साह देखने को मिला। विज्ञान की अध्यापिका पूजा सब्रवाल ने बताया कि 8 बच्चों को इस दिन का महत्व बताया गया। बच्चों को अवगत कराया गया कि भारत ने किस तरह अंतरिक्ष में पूरी दुनिया के सामने एक मुकाम हासिल किया है। हमें अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है। आज हमने नेशनल स्पेस डे मनाया 23 अगस्त 2023, जैसा कि आप जानते हैं चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई थी और बहुत सफल परीक्षण हुआ हमारे देश के लिए। हमारे देश के लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारा देश आज चौथे स्थान पर है इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम देखें, और जल्द ही पहले स्थान पर भी आ जाएगा। मुझे अपने देश के वैज्ञानिकों पर और देश के स्टूडेंट्स, आने वाली जनरेशन पर बहुत प्राउड है और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में हम बहुत अच्छा करेंगे। पोस्टर मेकिंग, पेंटिंग कॉम्पिटिशन करवाए बच्चों से, क्विज करवाई गई और इसके अलावा मॉडल्स भी बनाए बच्चों ने और अलग अलग प्रतियोगिताएं बच्चों की छोटी छोटी क्विज भी करवाई गई जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। उन्होंने सीखा, उन्होंने जाना कि कैसे स्पेस पर रिसर्च हो रही है, किस तरह के चंद्रयान, किस तरह के हम लोग सैटेलाइट भेज रहे हैं, तो इसकी जानकारी बच्चों को स्पीच में भी दी गई मॉर्निंग असेंबली में। इसके अलावा वो लोग जब पेंटिंग बना रहे हैं तो बहुत कुछ सीख रहे हैं। स्कूली बच्चों ने चंद्रयान के बारे में जानकारी हासिल की और प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। छात्र छात्राओं ने चंद्रयान 3 के अनेक मॉडल भी बनाए। भारत की इस शानदार उपलब्धि से प्रेरित होकर विद्यार्थियों ने भी भविष्य में वैज्ञानिक बनकर देश का नाम ऊंचा करने की अपनी इच्छा प्रकट की। इसमें लॉन्च हुआ था और हमारे स्कूल में कई बच्चों ने पार्टिसिपेट लिया, मॉडल बनाए, चार्ट बनाए और मुझे बहुत अच्छा लगा। आज हमने स्पेस डे के, नेशनल स्पेस डे के बारे में पढ़ा। हमने 23 अगस्त 2023 में तीसरा चंद्रयान लॉन्च किया था जो हमारा सफल हुआ था और जो मतलब हमारा जो भारत है उसमें फर्स्ट पोजीशन पे आया है और ये इसके बारे में हमने पूजा मैम और मोनिका मैम ने बताया था। आज हमारे स्कूल में नेशनल स्पेस डे के उपलक्ष्य में पोस्टर मेकिंग, चार्ट, क्विज आदि सब हुए। 2023 में 23 अगस्त को चंद्रयान 3 लैंड हुआ था।
जब हमें चंद्रयान पहुंचा तो हमें बहुत खुशी हुई। मैं ये भी चाहती हूँ कि मैं आगे जाके साइंटिस्ट बनूं और अपने देश का नाम रोशन करूं। पूरे देश में आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। आज के ही ऐतिहासिक दिन चंद्रयान 3 मिशन की सफलता से भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में नया अध्याय लिखा था। इसी श्रृंखला में आज जींद के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विद्यार्थियों को इस दिवस के बारे में विस्तार से बताया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य राजकुमार भोला ने बताया कि विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और भौतिक विज्ञान के प्राध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों को बताया गया कि क्यों हम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहे हैं। नेशनल स्पेस डे मनाया हमने, अपने बच्चों को जो चंद्रयान 3 हमने भेजा चंद्रमा पे, उसकी सफलता के बारे में बताया। हमारे विद्यालय में आज जो है प्रथम अंतरिक्ष दिवस मनाया गया है, क्योंकि ये पूरे भारत में बड़ा गौरव का और सम्मान का दिवस है आज, क्योंकि ये पहली बार हमारे जो देश में मनाया गया है अंतरिक्ष दिवस, क्योंकि 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 के द्वारा विक्रम लैंडर ने चंद्रमा के साउथ पोल पे जो है पहली बार कदम रखे और प्रज्ञान रोवर ने वहां पर भ्रमण शुरू किया। बच्चों को स्पेस के बारे में जानकारी दी और बच्चों ने भी इस कार्यक्रम का बहुत आनंद उठाया और उसको ध्यान पूर्वक सुना, और ये जो है बच्चों को समझाया गया कि कैसे जो है स्पेस में हमारा जो है करियर आगे उज्ज्वल हो सकता है। बच्चों ने रुचि ली और मैं सरकार से भी अनुग्रह करूंगी कि भविष्य में इस तरह के कार्यक्रम लार्ज स्केल पे आयोजित किए जाएं। विद्यार्थियों ने बताया कि आज का दिवस मनाकर हमें बहुत खुशी हुई और बहुत रोचक जानकारी हासिल हुई। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही गर्व का दिन है, जब भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना परचम लहराया था। पंचकुला में भी पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस धूमधाम से मनाया गया। जिले के सभी राजकीय व निजी विद्यालयों में विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। पिंजौर के सेंट विवेकानंद मिलेनियम स्कूल में विद्यार्थियों को अंतरिक्ष में हुई भारत की प्रगति के बारे में बताया गया। इस विद्यालय की 3 विद्यार्थियों व शिक्षिका मोनिका ने 23 अगस्त 2023 को श्रीहरिकोटा में चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के समय हरियाणा का प्रतिनिधित्व किया था। चंद्रयान 3 की सफलता का पूरा श्रेय हमारे वैज्ञानिकों की टीम को जाता है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाए जाने से आज का युवा इस विषय पर और भी जागरूक होगा। 6:03 जब मेरे भारत का चंद्रयान 3 का लैंडर रोवर विक्रम चंद्रमा की सतह पर लैंड किया, क्या क्षण थे। आज भी रोए खड़े हो जाते हैं उस समय के टीवी के ऊपर जो भाव और जो जिस तरीके के एक वातावरण था कि मेरे देश के साइंटिस्ट, मेरे देश के एरोस्पेस इंजीनियर्स ने मिलके ऐसा कार्य किया कि मेरे भारत का नाम पूरे विश्व में। जो आज हम ये नेशनल स्पेस डे जो भारत सरकार ने घोषित किया, वो जागृत करेगा मेरे युवाओं को कि और वो देश के लिए विशेषता स्पेस इंजीनियरिंग में और कार्य करें। पुनः देशवासियों को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चंद्रयान 3 की लैंडिंग के समय श्रीहरिकोटा में मौजूद रही लावण्या शर्मा ने बताया कि वे इस ऐतिहासिक पल का साक्षी रही हैं। चंद्रयान 3 को लॉन्च होते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये मेरे लिए एक बहुत ही खुशी का पल रहा है, और जब मुझे पता लगा कि भारत सरकार ने 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे घोषित करा है तो मेरी खुशी दुगनी हो गई। मेरे संग मेरे स्कूल के 3 अन्य छात्र इसरो में हरियाणा की तरफ से गए थे। मैं आपको बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली समझती हूँ जब मैंने चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को लॉन्च होते हुए अपनी आंखों से देखा। यह मेरे लिए बहुत खुशी का पल रहा है, और आज जब मुझे पता लगा कि भारत सरकार ने इस दिन को नेशनल स्पेस डे के नाम से घोषित किया है तो ये मेरे लिए डबल खुशी थी। सेमीकंडक्टर मोहाली से सेवानिवृत्त हुए अश्विनी पुरी ने कहा कि ये बहुत ही गर्व की बात है कि वैज्ञानिकों को समर्पित राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस आज मनाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग के पीछे वैज्ञानिकों के साथ साथ बहुत सारे इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस की सोच भी होती है। इससे भारत अंतरिक्ष विज्ञान में विश्व के चुनिंदा देशों में शुमार हो चुका है। इस तरह के प्रयासों से देश की युवा पीढ़ी को भी बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। अपने चंद्रयान मिशन को और मैंने जब देखा 23 अगस्त को इसको हमारा ये रोवर लैंड कर गया है उधर, बड़ी सॉफ्ट लैंडिंग की है इन्होंने और ये एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्वमेंट होती है इसमें, जिससे कि हमारा ये मुल्क एक कुछ सिलेक्टेड देशों में पहुंच गया है जिन्होंने मून पे रोवर वगैरह लैंड करवाए हैं, सॉफ्ट लैंडिंग करवाई है। और इससे जो आने वाले लोगों को बच्चे हैं जो उनको बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित बिलासपुर चौक पर जाम की समस्या का अगले 48 घंटों के भीतर निवारण किया जाएगा। आमजन को राहत देने के लिए मानेसर के एसडीएम दर्शन यादव ने आज बिलासपुर चौक पर स्थानीय ग्रामीणों के साथ ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान एसडीएम ने एनएचएआई के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीणों से भी ट्रैफिक व्यवस्था में परिवर्तन, बिलासपुर चौक पर यू टर्न सहित अन्य विषयों पर चर्चा कर उनसे आवश्यक सुझाव भी मांगे। ग्रामीणों ने बताया कि लो लेवल एरिया होने के चलते बिलासपुर चौक पर बरसात में जलभराव से सड़क में बने गड्ढों और चौक पर फ्लाईओवर के निर्माण के कारण सड़क की दो लेन ब्लॉक हो गई, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। चौक पर निरंतर जाम की समस्या बनी रहती है। उन्होंने एनएचएआई के अधिकारियों को निर्देश दिए कि चौक पर फ्लाईओवर निर्माण स्थल को छोड़कर बाकी सभी लेन को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाए। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग पर दोनों तरफ एनएचएआई की जितनी जमीन है उस पर 2 से 3 एक्स्ट्रा लेन का निर्माण किया जाए, ताकि व्यस्त समय में भी ट्रैफिक का आवागमन हो सके। एनएचएआई के अधिकारियों ने उन्हें आश्वस्त किया कि आज शाम से ही यहां जाम के निवारण के लिए काम शुरू हो जाएगा, जिसे 48 घंटों में पूरा किया जाएगा। बिलासपुर चौक पर पटौदी के लिए यू टर्न खोलने की भी मांग रखी गई। एसडीएम ने कहा कि अगर ट्रैफिक व्यवस्था सुगम रही तो यू टर्न की समस्या के समाधान के लिए भी उचित प्लानिंग की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन से पहले कल नई दिल्ली में क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास और तकनीकी प्रगति के प्रभाव को दर्शाते हुए 25 चुनौतियां शुरू की गई हैं। मीडिया और मनोरंजन उद्योग का विकास हुआ है, जिससे क्रिएटर इकोनॉमी को काफी बढ़ावा मिलेगा। इस क्रिएटर इकोनॉमी को प्रधानमंत्री मोदी ने मान्यता दी और पहले राष्ट्रीय क्रिएटर पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने बताया कि मंत्रालय सम्मेलन को बड़े पैमाने पर आयोजित करने की योजना बना रहा है और इनमें ये 25 चुनौतियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। सरकार नई क्रिएटर इकोनॉमी को प्रोत्साहित करती है और इससे रोजगार सृजित हो रहे हैं। एंटरटेनमेंट की दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव आया और ये बदलाव हाल ही के समय में इतना एक्सेलरेट हुआ है कि एक टोटली नई क्रिएटर्स इकोनॉमी क्रिएट हुई। इस क्रिएटर्स इकोनॉमी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रिकॉग्नाइज किया और कुछ महीनों पहले पहला नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड भी उन्होंने दिया। इस इकोनॉमी में बहुत ही बड़ा एक पोटेंशियल है। अगर आप सबने देखा ही है जो हमारी रिच कल्चरल हेरिटेज है उसको दिखाने के या हमारे भारतीय तरीके से जीने की पद्धति, भारत का योगा, कई तरह की चीज़ों को जो हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम, हमारे क्विजींस और रीजनल क्विजींस में तो इतनी वैरायटी है, एस्टिमेट की है कि अगर ढंग से इस प्रोग्राम को आगे ले जाया जाए तो बड़े आराम से 2 से 3 लाख के आसपास नया एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकता है। जॉर्डन में चल रही कुश्ती की अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप में भारत 4 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक के साथ कुल 6 पदक जीतने में कामयाब रहा है।
महिला पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन किया। महिला फ्री स्टाइल कुश्ती के 43 किलोग्राम भार वर्ग में अदिति कुमारी, 57 किलोग्राम में नेहा सांगवान, 65 किलोग्राम में पुलकित और 73 किलोग्राम में मानसी लाठार ने अपने अपने वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। ग्रीको रोमन शैली में 51 किलोग्राम में रौनक दहिया और साईनाथ पारधी ने कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत के कुल 30 पहलवान चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहे हैं। तो वहीं स्विट्जरलैंड में लुसाने डायमंड लीग प्रतियोगिता में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में भारत के नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर रहे। उन्होंने अपनी सीजन का सर्वश्रेष्ठ 89.49 मीटर तक भाला फेंका। पीटर एंडरसन 90.61 मीटर के साथ पहले नंबर पर रहे। डायमंड लीग में नीरज पांचवीं बार भाग ले रहे हैं। जर्मनी के जूलियन वेबर 87.8 मीटर के साथ तीसरे स्थान पर रहे। दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी जैकब वॉडलेज सातवें स्थान पर रहे। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।